मेरे को, मैं फ्रेंकली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, बट अगर मेरे को दो चीजें हैं जिसको मेरे को मतलब एक नेट पिकिंग करनी ही होती तो ये है कि डुकाटी ना इज इट्स डिजाइन बिफोर फंक्शन, उनका जो फिलोसफी है. तो मान लीजिए जैसे मेरे को बैटरी एक्सेस चाहिए या फिर मेरे को अपना एयर फिल्टर चेंज कराना है, एयर फिल्टर चेंज कराने के लिए मेरे को पीछे से हार्ड टेल खोलते हुए बिल्कुल अंदर आना पड़ेगा, पूरा 1.5 घंटे का प्रोसेस है जस्ट टू एक्सेस द ब्लडी एयर फिल्टर. सच है. तो सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल. सो आज फ्रेम के अंदर एक बाइक देख रहे हो जो सामने खड़ी है, ये डुकाटी डीएवएल है 1260 है, सोम भैया की बाइक है. हाय भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं विशाल. और भैया, भैया की बाइक है और ये भैया ने जो बाइक है ये प्रियोन भैया ने ली थी और काफी अच्छी किलोमीटर भैया ने क्लॉक कर दी इस बाइक पे. 7000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुके हैं, 6000 किलोमीटर पे समथिंग पे बाइक ली थी, अभी 12-13000 समथिंग चल चुकी है. एंड सर्विस भी करा चुके हैं, टायर भी चेंज करा चुके हैं. एंड डुकाटी का जो बेसिकली लोगों को डर रहता है मेंटेनेंस को लेके, कि भैया मेंटेनेंस महंगा है, पार्ट्स महंगे हैं, तो सोम में से जानेंगे भैया कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बाइक को लेके. तो भैया 7000 आपने बाइक चलाई अभी तक, हाँ. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइक को लेके? मतलब इशूलेस बाइक है. इशूलेस बाइक है, इशूलेस बाइक है. और मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ बिकॉज इसके पहले मेरे पास ड्यूकाटी की 959 थी. बिल्कुल. वो हर 2 किलोमीटर पे टूट जाती थी. टूट जाती थी आज दिन, मतलब कैसे? मतलब 959 जो है इट वाज अ ट्रैक फोकस बाइक, उसको ट्रैक डे पे बहुत लेके जाते थे. ऐसा नहीं है कि उसको चलाया नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक रिलायबिलिटी का भी आरओआई होता है ना, तो उसमें 959 में उतना था नहीं. हालांकि दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स. अच्छा. बट इसमें जो है अभी 6 महीने में रफली 7000 किलोमीटर टाइप्स क्लॉक कर चुका हूँ. बिल्कुल. एंड अभी तो मेरे को कोई इश्यूज नहीं आई. जो मैंने इस पे काम कराया हुआ है वो मेन है कि ये 4 साल पुरानी बाइक थी जब ली थी. बिल्कुल थी. तो कंपाउंड जो है हार्ड हो गया था और पीछे का टायर बहुत वॉर्न आउट हो गया था. अच्छा. तो डायबलो रोसो 3 मैंने दोनों स्वॉप कराए नए. मैं देख रहा हूँ कि टायर बिल्कुल आपने ब्रांड न्यू डाले और इनकी भी लाइफ अभी क्रूजिंग है. ये भी ज्यादा चले नहीं है मेरे हिसाब से. नहीं नहीं, इसको तो चेंज करे हुए 1000 किलोमीटर भी नहीं हुए. हाँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर दिख रहे हैं. हाँ. तो ये कितने के टायर सेट आया है पेर इसका, जैसे रियर आपने चेंज किया, फ्रंट भी चेंज किया है? नहीं, बहुत दोनों चेंज, दोनों चेंज किया. कितने का टायर सेट पड़े हुए आपको? 50000 रुपए के. मोटा मोटा. तो ऐसा तो नहीं लगा कि ज्यादा एक्सपेंसिव है ऐसा कुछ? नहीं, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग इसका रियर टायर देखो इज द लार्जेस्ट इन सेगमेंट. लार्ज इन सेगमेंट 240 का आता है. हाँ हाँ हाँ, जो कि काफी बड़ा हो जाता है और बाइक उसकी वजह से लगती भी बहुत सुंदर है दूर से. हाँ. लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो है ना, इट मेक्स इट रियली वर्थ इट. बिल्कुल, क्योंकि और ये टिकेगी लंबा. प्लस मैंने वो चेन और स्प्रॉकेट भी बदलवाया है. अच्छा, चेन और स्प्रॉकेट भी चेंज करा दिया आपने. उसका रीजन मैं जान सकता हूँ कि मतलब ऐसा? हाँ, स्प्रॉकेट भी आपने बिल्कुल ब्रांड. ये स्प्रॉकेट की कीमत कितनी होती है? ये स्प्रॉकेट की कीमत रियर स्प्रॉकेट सिर्फ अगर आप लें तो इट्स अबाउट 15000. आर यू सीरियस? भी मेरे हिसाब से 15000 तो बहुत ही कम है. नहीं नहीं नहीं, पूरा एंड टू एंड जो ड्राइव ट्रेन है इसका ड्यूकाटी की तरफ से रफली 26-27000 का पूरा स्वॉप आता है. अच्छा, कम्प्लीटली विद चेन एंड ऑल? मेरे को, मैंने पूरा जब चेंज कराया था मेरे को रफली उसे थोड़ा ज्यादा पड़ा था. अच्छा. बट मैंने जो है चेन थोड़ा मोटा लगवाया है. और ये दांत में मैं एक डाउन गया हूँ. अच्छा, एक डाउन गया. उसका रीजन क्या डाउन जाने का? बेसिकली द बाइक इज अ लिटिल अनमैनेजेबल. जो पुरानी थी, आई वांटेड इट टू बी अ लिटिल मोर मैनेजेबल एट लोअर स्पीड्स. ओके. हाँ, तो पहले तीन दांत नीचे गया था, फिर वापस 2 दांत ऊपर आया हूँ. अच्छा, तो उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ बेसिकली आपको? लो एंड टॉर्क का, पावर का? लो एंड टॉर्क इज मच मोर इवन. ये बहुत वाइल्ड बाइक है वैसे, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओ. बिल्कुल है भैया. तो 130 टॉर्क है इसमें, तो इट बिकम्स वेरी अनमैनेजेबल अगर आप लोकली चला रहे हो. इसलिए मतलब, और इसको अर्बन मोड में चलाओ तो ऐसे लगती है कि CBR है, 650R. बिल्कुल. तो 100 हॉर्स पावर पे आ जाती है और टॉर्क भी काफी इसका मॉड्यूलेटेड रहता है. तो अगर लेकिन टूरिंग और स्पोर्ट्स में चलाओ, ये इसका जो फर्स्ट गियर में एक्सेलरेशन है इट्स वेरी अनमैनेजेबल, स्पेशली इन दिल्ली NCR रोड्स. सो आई वांटेड दैट डिलीवरी टू बी अ लिटिल स्मूदर. बिल्कुल. सो उससे टॉप स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, बट यू नो इट्स नॉट लाइक वी हिट द टॉप स्पीड एवरी डे. इनफैक्ट नेवर इन माय केस. बट the lower end power delivery and torque delivery becomes very smooth, so that is something that I wanted. So pehle 3 daant fir 2 daant upar. Acha, to ye fark feel hua aapko is ke andar? Bhaiya, itni jaise 959 aap pehle chala chuke hain, to is baar bhi dobara Ducati pe jane ka kyu socha? Matlab aisa kya tha ki wo Ducati aapne dobara pasand aayi, aur Ducati mein specifically Diavel kyu dekhi?
एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था. अच्छा, तो मेरे को चाहिए था ट्रायम्फ का बॉनविल बॉबर. बिल्कुल, आपने नया बुक कराया था. आपने नया बुक कराया था और उसका मैंने पूरा पेमेंट अपफ्रंट दे दिया था, इंक्लूडिंग सारी एक्सेसरीज. और किसी रीजन के वजह से ट्रायम्फ वो बाइक टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई. मेरे ख्याल से कुछ इशू हो गया था. उसका इशू हो गया था, वो बेसिकली वो ट्रांजिट में उसका फॉल हो गया था. इतना तो हम लोगों ने डिटेल निकाला था. ट्रांसिट में उसका फॉल हो गया था, वो बेटर है कि उस लेने से बेटर. तो ऐसा कोई रिग्रेट फील्स नहीं हुआ इस बाइक को लेने के बाद आपको, या ट्रायम छोड़ के आपने ये ली? ट्रायम थोड़ी ज्यादा रिलायबल है. बट आई मीन शोरूम को आप कितनी गलती पकड़ाओगे. एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मेरे को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करा था. अच्छा. एंड इनफैक्ट वन डे के अंदर मेरे पैसे भी लौटा दिए थे. क्या बात है. सो ट्रायम्फ दैट वे वाज हैड वेरी गुड कस्टमर सर्विस. मे बी आई विल बाय अ बाइक फ्रॉम देम इन द फ्यूचर. लेकिन वो बॉबर वाली डील हो नहीं पाई. समझ सकता हूँ. तो बॉबर मैंने टेस्ट राइड भी करी थी. मेरे दो दोस्तों के पास वो सेम बाइक भी थी. तो मैं बेसिकली आई वॉज गेटिंग बैक इन टू मोटरसाइकिलिंग आफ्टर सम टाइम. ओके. तो सनी जिनसे आप मिल चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो मेरे थार ग्रुप में भी है. मेरे राइडिंग उन्होंने मुझे बताया इस बारे में. तो उन्होंने बोला कि आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक बाइंग द बॉबर बिकॉज फॉर माई फ्रेम इट वुड हैव बीन अ वेरी वियर्ड बाइक. बिल्कुल. बट मेरे को बेसिकली क्रूजिंग चाहिए थी. लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें सुपर स्पोर्ट का बैकग्राउंड है. मैं 959 चला चुका हूँ, ZX10R चला चुका हूँ, जो पुरानी वाली BS4 मॉडल थी बिफोर फेसलिफ्ट. सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मेरे को बोला कि देर आर अ फ्यू गुड डायवल डील्स. तो मैंने 8 डायवल चलाई थी. 8 डायवल चलाई थी. ओके. सारे डील पे थे. देवर ऑन सेल. एंड कुछ 3 या 4 दिन में मैंने 8 डायवल चलाई. अच्छा. और मेरा ये वाला सिलेक्ट करने के कुछ रीजंस थे. एक तो था कि ये नॉन एस मॉडल है, ये 1260 है, 1260 एस नहीं है. बिल्कुल. तो इसमें जो डिफरेंस आता है फीचर्स का, एक तो इसमें फोन पेयरिंग नहीं होता. मेरे को वो चाहिए नहीं था बिकॉज मेरे को वैसे ही इसमें एसपी या रैम माउंट लगाना था. अच्छा, बिल्कुल, जैसे हमने रैम माउंट लगाया. इसको तो मैं भी रेकमेंड करता हूँ शुरू से. ये मतलब बहुत अच्छी चीज है फोन माउंट के लिए. ये बाइक ऑफ रोड जाती है नहीं. और मतलब हद से हद ये एट अ टाइम 500-600 किलोमीटर चलती है एट वन टाइम. अच्छा. तो मेरे को एसपी माउंट का भी वैल्यू नहीं देगा ना. मैं आईफोन चलाता हूँ. बिल्कुल. कि मेरा कैमरा खराब हो जाए. तो मैंने रैम माउंट ही लगाया. एंड फोन पेयर करने का मतलब नहीं था बिकॉज फोन ऊपर ही था प्लस सेना लगाया हुआ है. बिल्कुल. सो डायवल के साथ फोन पेयरिंग का सेंस नहीं बनता था. टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी. जैसे कॉर्बेट वॉर्बेट जाना होता है, एक डिस्प्ले होना बेटर है. तो इनफैक्ट आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपको अपना महंगा फोन ही लगाना, कोई सस्ता सा 6-7 हज़ार रुपए का एंड्रॉइड लगा लो. दैट इज स्टिल मच बेटर. वो बेटर है. एंड सेकंड थिंग, इसमें ना ओलेन सस्पेंशन नहीं है. हां, इसमें नॉर्मल सस्पेंशन आते हैं. आई थिंक शोवा के हैं, नॉट एंटायरली श्योर. इसमें भैया नहीं, इनके डुकाटी के कोई नॉर्मल सस्पेंशन है. इसमें अगर शोवा को तो ब्रांडिंग होती, बट इनके जो कंप्लीमेंट सस्पेंशन है ये मेरे को ठीक है. क्योंकि ये भी एडजस्टेबल आते हैं, इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो. मैंने जो पता कराया था डुकाटी से वो ये था कि इनकी सोर्सिंग लोकल है. अच्छा. सो इनको ये सस्पेंशन को मिल जाता था. इशू इज मतलब मेरे को जो दिखा, जो सुनने में आया, मेरे कुछ दोस्त थे जिनके पास ट्रायम्फ थी, उनकी ओलेंस की सस्पेंशन जब खराब हुई, उनको पूरा सस्पेंशन यूनिट यूके भेजना पड़ा रिपेयर के लिए. अच्छा. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन कि वो खराब हो जाए और फिर 3 महीने के लिए बाइक खड़ी रहे. मतलब आई वुड प्रेफर कि बाइक को चला चला के तोड़ दो रादर देन हैविंग स्मॉल इश्यूज लाइक दिस देन वेटिंग फॉर 3 मंथ्स. एग्जैक्टली. बिकॉज अभी मैं फिर से अपना बाइक मोटरसाइकिल का गैराज बना रहा हूँ. अच्छा. तो एट वन टाइम मेरे पास 3 बाइक्स थी यू नो एक साथ. अभी ये मेरी वापस मैंने जब गैराज बनाना शुरू करा है, ये मेरी पहली बाइक है. बिल्कुल. गैराज में. सो आई डिड वॉन्ट कि ऐसा इशूज हो. सो एंड एज इट इज सेकेंड हैंड बाइक है. तो इट वॉज नॉट लाइक की शॉक के यू नो शॉक के रास्ते आई एम बाइंग द मोस्ट टॉप एंड. शायद इसके बाद मैं जब अभी मैं V4 को भी देख रहा हूँ. अच्छा. फॉर परचेस. उसका भी S मॉडल शायद अभी हाल ही में आने वाला है. बिल्कुल आने वाला है. तो शायद मैं उसको कंसिडर करूँ. तो उसमें आई विल प्रोबेबली नी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस. बट बाइंग अ सेकंड हैंड ड्यूकाटी ऑल्सो आई डिडंट वॉन्ट कि सस्पेंशन खराब हो गया एंड यू नो. So that's why I chose the non-S model. And this sandstone color is something that me and my family really liked. Okay, sounds good. So that is the reason. Okay. So plus, कोई ऐसा भी कोई regret feel तो नहीं हो बाइक को लेके, कुछ problem आई हो, कुछ breakdown हुआ हो, कुछ ऐसा कुछ? Breakdown जिस दिन बाइक ली थी उस दिन बाइक रुक गई थी because the bike was run after a long time. तो फ्यूल सेंसर ठीक से चला नहीं, लेकिन उस पर जब फ्यूल डाल दिया तो वो ठीक से चलने लगा. चलने लग गया था. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट
मतलब टीथिंग निगल ऑन द फर्स्ट डे व्हेन वी बॉट इट, इस बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं. प्रीवियस ओनर ने उतनी बाइक शायद चलाई नहीं थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ी काई कार्बन वगैरह जम गया था स्प्रॉकेट वॉकेट पे, इसलिए वो सब चेंज कराया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी मैं दो रेगुलर मतलब 6 महीने में मैं 2 सर्विस करा चुका. एक तो खरीदते हुए ड्यूकाटी से ही करवाया था और एक फिर पात पेवर से कराया था जो स्टैंडर्ड ऑयल चेंज वगैरह होता है. बिल्कुल. तो भाई ये बाइक का ख्याल रखोगे और ये जो भी 6,000-7,000 किलोमीटर चली है ये ऑलमोस्ट हर जगह चल चुकी है, तेज चल चुकी है, धीरे चल चुकी है. अच्छा. हाँ, पानी के मतलब बहुत ये बाइक को अच्छे से चलाया गया है पिछले 5-6 महीने से. सो इन दैट सेंस आई डोंट सी एनी इश्यूज विद द बाइक. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल. अच्छा. एंड ड्यूकाटी हैज डेफिनेटली अपड इट्स क्वालिटी ओवर द लास्ट 10 इयर्स. वो तो दिख ही रहा है. सो या तो भाई इसकी ड्यूकाटी में जो सर्विस कराई थी तो उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो सर्विस कॉस्ट आया वो कितना आया? मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है बट इट शुड अराउंड 14,000 आई डोंट रिमेम्बर प्रिसाइसली. बट उसमें वो ब्रेक ब्लीडिंग ऑयल चेंज वो सब जो इनका स्टैंडर्ड होता है वो सब तो कराया था. ड्यूकाटी सर्विस इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड. बिल्कुल. और उसके बाद आपने इसको आफ्टर मार्केट सर्विस कराया. आफ्टर मार्केट में और भैया ड्यूकाटी में कोई फर्क फील हुआ आपको? यार आफ्टर मार्केट सर्विस वो ऑयल चेंज के यू नो एंगल से मैंने मोस्टली कराया और वो इसलिए था. सो सर्विस का हम बात कर रहे थे भैया. तो जैसे कि आपने आफ्टर मार्केट का सर्विस कराया, आपने डुकाटी और शोरूम में आफ्टर मार्केट में कोई फर्क फील हुआ ऑयल चेंज वगैरह जैसे आपने कराया? एज सच देखिए इट्स टू सून टू टेल. आफ्टर मार्केट सर्विस कराने के बाद मैंने सिर्फ 1200 किलोमीटर ही चलाया इसे. अच्छा अच्छा. तो इट्स टू सून टू टेल बट पाथ पेवर्स है. हाँ, वो ट्रस्ट है, वेरी ओल्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड. प्लस इट्स नॉट अ ये डेस्मो सर्विस तो था नहीं. बिल्कुल. डेस्मो तो सिर्फ ड्यूकाटी पे करानी है. डेस्मो उसकी 30,000 रुपए होती है. अच्छा. तो अब उसमें 18,000 किलोमीटर बाकी है. बिल्कुल बाकी है. सो एनुअल सर्विस में ड्यूकाटी पे कराऊंगा लेकिन अगर बीच में ज्यादा चल जाती है एक इंटरिम सर्विस में पाथ पेवर से करा लेता हूँ. अच्छा. तो भैया उन्होंने पाथ पेवर ने आपसे सर्विस का कितना पैसा चार्ज किया इस चीज का? मेरा तो पैकेज है यार, तो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू टॉक टू पाथ पेवर. अच्छा, वो लोग पैकेज भी देते हैं? हां, दे हैव समथिंग दैट हैज आरएसए some inbuilt discount on their products and then you know bike wash and chain lube, wo pura ek package hota hai. Kind of AMC ho gaya, annual service. Usme servicing ka bhi cost included hai, so for that you'll have to talk to them directly. Wo mere ko exactly pata nahi. Bhaiya, bike ke andar aapne sari achhi cheez bata di. Ab baat karte hain negative thoughts ki, ke bike ke andar kya cheez hai jo aapko achhi nahi lagi, jo aap batana chahte ho audience ko ki yaar ye cheez bike ke andar achhi nahi hai, aisa kuch experience. इसका क्लियरेंस तो बहुत लो है. ग्राउंड क्लियरेंस कह सकते हैं. बट मैं एक्चुअली बाइक को कम गाली और अपने सिविक बॉडीज को ज्यादा दूंगा. अभी आते वक्त अपने बम्प्स देखे थे, कोशिश की थी. तो यू नो बम्प्स के ऊपर चढ़ाने से यू हैव टू गेट ऑफ द बाइक. हाँ. बट दैट इज नॉट देयर इन द रेगुलर बम्प्स, इट्स देयर इन द रंबलर्स एंड ऑल दैट, जो शार्प रंबलर्स सोसाइटी के अंदर होते हैं मोस्टली वो. हाँ. बट कोशिश कर सकते हैं उसको क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं, वो भी थोड़ा हेल्प करता है. हाँ, वो तो है. एंड सेकेंड थिंग, अगर मेरे को मैं फ्रेंकली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, बट अगर मेरे को दो चीजें हैं जिसको मेरे को मतलब एक नेटपिकिंग करनी ही होती तो ये है कि ड्यूकाटी ना इज इट्स डिजाइन बिफोर फंक्शन. उनका जो फिलॉसफी है, तो मान लीजिए जैसे मेरे को बैटरी एक्सेस चाहिए या फिर मेरे को अपना एयर फिल्टर चेंज कराना है. एयर फिल्टर चेंज कराने के लिए मेरे को पीछे से हार्ड टेल खोलते हुए बिल्कुल अंदर आना पड़ेगा. पूरा 1.5 घंटे का प्रोसेस है जस्ट टू एक्सेस द ब्लडी एयर फिल्टर. सच है. तो that way is you know taking apart and putting this bike back together is a little hard. Exactly. But bhai ye wo nitpicking wali baat hai aur ye main khud to karunga nahi. I will only trust professionals with this. Professional chahiye hi chahiye us cheez ke liye. Agar aap battery bhi aapko usko remove karke dusra dalna hai to bhi wo nahi kar sakte, uske liye aapko professional banda chahiye hi chahiye, kyunki itna typical banaya hua hai to wo thoda mushkil hai is bike ke andar aur sabhi Ducatis ke andar hai. Aur second thing is ki ye 1260 cc ki twin cylinder engine hai. तो ये ओवरहीट करती ही है स्पेशली ट्रैफिक में. अच्छा. अगर आप इसको अर्बन मोड में चलाओ या स्पोर्ट्स मोड में चलाओ या जो मर्जी करो, ओवरहीट होती है अच्छा खासा. 101-102 डिग्री समर्स में 160 डिग्री तक चली जाती है. अच्छा. तो दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, बट दिस अगेन दिस बाइक वाज नॉट बिल्ट फॉर ट्रैफिक, कीपिंग ट्रैफिक इन माइंड. बट कंपेयर टू द न्यू स्ट्रीट फाइटर V4 और V2 ऑल्सो रादर, आई वुड से कि ये इसमें उतनी ओवरहीटिंग इश्यूज नहीं है. दैट इज लाइक एन इन्फर्नो. भाई आपने चलाई हो नई वाली डैवल V4? हाँ, मतलब टेस्ट ड्राइव तो लिया हुआ है भाई. मेरे को पर्सनली पसंद आई वो भाई, पता नहीं क्यों मैं उससे थोड़ा अटैच हो गया. आई डोंट लाइक डुकाटी मेनी मोर, बट उस बाइक को चला के एक कनेक्शन अच्छा लगा मुझे. मतलब फील अच्छा ही, मतलब 4 सिलेंडर का एक बाइक था उसके अंदर. तो मतलब देखिए इट्स अ वेरी डिफरेंट बाइक. उसमें दो चीजें हैं. ए तो उसका व्हील बेस शॉर्टर है, बाइक इज अ स्मॉलर बाइक. हाँ, बेस से छोटी लगती है, मच बेटर फॉर स्ट्रीट फाइटिंग. एंड
ये बाइक काफी लंबी है उसके कंपैरिजन में। exactly, काफी लंबी है। एंड दूसरी चीज की उसकी जो पावर डिलीवरी है इट्स मच मोर, मतलब इसकी पावर डिलीवरी ओपेक है। टूरिंग मोड में खोलोगे तो यू विल गेट सम सेंस ऑफ लिनियरिटी, बट स्पोर्ट्स मोड में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। इट्स अ वेरी वायलेंट व्हीकल एंड फन हेंस, बट जो V4 है इट्स मोर लाइक योर सुपर स्पोर्ट्स बाइक। उनका उसका पिकअप इज वेरी लो, इवन दो इट्स गॉट सच हाई टॉर्क, बट इट्स लोअर इन द लोअर रेव्स एंड व्हेन यू एज यू गो क्लाइम अप द रेव्स इट बिकम्स रियली रियली फास्ट। So that is more of a super sport power delivery, and this is an old school muscle cruiser type. But इसकी agility से मैं इतना खुश हूँ, मतलब I was surprised. बिल्कुल. मैंने इसके पहले 1260 Divel चलाई नहीं थी. हालांकि we because of the group and all हमको बहुत सारे bikes का access मिलता है. But ये मैंने bike पहले चलाई नहीं थी और मैं इससे इसकी agility से इतना खुश हूँ. मतलब almost super sports bike की तरह मैं इसको lit at least on touring rides. जैसे अभी Corbett गए थे. कोई वाइंडिंग टर्न्स होते हैं, मतलब दिस इज फॉर एनी माउंटेन रन दिस बाइक इज रेयरिंग टू गो, मतलब आई एब्सोल्युटली लव इट। बस इस ये इंजन पक ना जाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दैट इट्स अ फैंटास्टिक बाइक ऑन द फ्रीवे। ओके, हाईवेज के अलावा आपको कभी ट्रैवलिंग में जैसे पहाड़ों पे वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ फेस किया इस बाइक को लेके आपने? नॉट अ सिंगल इशू। ओके, और मतलब एब्सोल्युटली जीरो कंप्लेंट्स एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज बीइंग अ ड्यूकाटी। मेरे को लगा कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं बॉल बेयरिंग में क्रैक आएगी, कुछ तो होगा। बट एवरी राइड के बाद मैं चेक कराता हूं पूरे बाइक को ऊपर से नीचे तक। दैट कॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बट वही है कि ये इस लाइक अ कंपाउंड फ्रैक्चर। अगर एक छोटी सी चीज आप छोड़ दोगे ना ऐसे बाइक्स में, ये फिर वो बढ़ता चला जाएगा एंड बढ़ता चला जाएगा। सो आई प्रेफर टू स्पेंड द मनी एंड गेट द बाइक चेक्ड आफ्टर एवरी मेजर राइड, क्योंकि आपकी राइड भी अच्छी खासी लंबी रहती है, लॉन्ग राइड सब काफी करते हैं। बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है भैया, मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, मतलब ये ऑडियंस के लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है। लोग बड़ा फ्यूल इकोनॉमी को लेके बड़ा बोलते हैं कि इसकी जो पर लीटर अगर एवरेज की बात करें वो कितना देती है समवेयर अराउंड? ये यार कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप स्प्लेंडर से आ रहे हो तो बहुत नाखुश हो गए लेकिन जैसे मैं स्कॉर्पियो एन चलाता हूँ, अच्छा, वहाँ पे सिटी में मेरे को 6 से 8 का माइलेज मिलता है पेट्रोल में, तो वर्सेस दैट यहाँ पे मेरे को 15 से 17.5 मिलता है सिटी में। इसकी अच्छी खासी माइलेज मैंने तो एटलीस्ट द स्टेट द बाइक इज इन, इसकी ठीक ठाक माइलेज निकल आती है। तो गाइस देख सकते हो डुकाटी की भी एवरेज अच्छी होती है, हम लोग ऐसे डरते थे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बाइक डुकाटी की डायविल है 1260, डायविल की बात करेंगे, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, आपका क्या सजेशन है इस चीज को लेके? देखिए एट द एंड ऑफ द डे दो चीज बोलूंगा, दिस बाइक इज फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ सिंगल बाइक गराज। ओके, राइट, अगर आपको सिर्फ एक, मेरे को तो मल्टी बाइक गराज बनानी है, लेकिन अगर आपको एक ही बाइक चाहिए जो काफी कुछ कर सकती है, थोड़ा प्रीमियम भी है, तेज भी जा सकती है, क्रूज भी कर सकती है, बहुत कंफर्टेबल है, राइट, मतलब ऑफ रोडिंग छोड़ के ये प्रिटी मच हर चीज संभाल लेती है। आप इसको ट्रैक, आई बिन एन एविड ट्रैक एंथुसियास्ट, मैं तो कहता हूँ इसको ट्रैक लेके जाओ। अच्छा, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इसको ट्रैक ले जाने का? मैं आई एम प्लानिंग टू टेक इट टू ट्रैक नेक्स्ट मंथ। अच्छा, वो जो इवेंट आया आपने ग्रुप में शेयर किया था, हां, बट लाइक आई फ्रैंकली रेकमेंड इट, इट इज ग्रेट फन। आई मीन ऑब्वियसली यू कांट सेट एनी टाइम अटैक लैप टाइम्स, बट आई एम श्योर इट विल बी एक्सट्रीमली गुड ऑन द ट्रैक। बिल्कुल, क्योंकि 0 to 100 ये मतलब 2 less than 3 seconds में जाती है, 2.8 seconds, 2.6 seconds के आसपास। आई हाईली आई डू नॉट रेकमेंड डूइंग दैट बिकॉज बाइक लंबी है और मैं भारी इंसान हूँ, बट फिर भी वो चाहती है कि एक पहिया पे खड़े हो जाए, इफ यू ट्राई टू एक्सेलरेट दैट हार्ड। और ये हो जाती है भैया, मैंने की हुई, बड़े प्यार से हो गई थी मुझसे, और एक्सीडेंटली हुई थी जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम राइड किया था, व्हीली पॉप अप हो गई थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बाइक भी व्हीली पॉप अप इतनी हो जाएगी। कॉन्टैक्ट पैच देखो ना, इतना बड़ा है वहाँ पे, बाइक इज एक्सट्रीमली स्टेबल, प्लस इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके शुरू से डुकाटी के हमेशा एडवांस रहे हैं, जैसे कि इसकी भी हम बात करें तो इसके अंदर कीलेस एंट्री आता है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, सारे मोड्स है इसके अंदर। सो कोई इलेक्ट्रॉनिकली कभी कोई इशू आया इस बाइक के अंदर आपको? नहीं, इनफैक्ट एज अ यू नो बिग बाइक ओनर आई डोंट माइंड पुटिंग मनी इनटू द बाइक टू कीप इट इन शेप। Okay. Provided that I have some reliability from the chassis, engine and the electronics. अगर ये तीन चीजें सही रहती हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें इधर उधर आपको करती रहनी पड़ती है। जैसे when I got the bike, right?
तो स्टीयरिंग की बॉल बेयरिंग एक क्रैक होने लगी थी। अच्छा, तो बोला गया था कि 4000 किलोमीटर बाद वो रद्द हो जाएगी। मैंने इमीडिएटली उसको स्वॉप कर दिया। इट वाज नॉट एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्वॉप, राइट? सो वो सब चीजें आपको हर बाइक में देख, अगर आप ट्राइडेंट से लेके आप डियावल V4 तक, ये हर बाइक में ये इश्यूज होंगे। एज लॉन्ग एज द इंजन चैसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका साथ दे रही है, आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। बाइक के लिए से इट्स अ लाइफस्टाइल व्हीकल, सो एनीबॉडी who wants to get into that lifestyle and have that extremely premium experience, ये bike अब although available है Ducati के site पे, मेरे को Ducati वालों ने बोला है कि अभी सिर्फ V4 की supply आ रही है, आपको 1260 खास मंगाना पड़ेगा। अच्छा, so if anybody gets a good deal in the second hand market, I highly recommend it। अच्छा, because but make sure bike लेने से पहले आप check कर लीजिए, सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, बाइक का ट्रैक क्लियर कर लीजिए, कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री क्लेम तो नहीं है, ये सब चीजें चेक करने के बाद आप इजिली बाय कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक है। तो इसके अंदर एक्सेसरीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे कि टैंक पैड लगा हुआ है डुकाटी का ओरिजिनल, एक फ्रेम साइडर देख रहा हूँ सेविज के, आपने रेडिएटर ग्रिल्स में लगाई है जैसे आप बता रहे थे, इवोटेक की आई गेस ना, वो पाथ पेवर से लगवाया। अच्छा, इवोटेक की आपने रेडिएटर ग्रिल लगाई है, और कोई एक्सेसरी भी है इसमें आप लगाने का कुछ प्लान कर रहे हैं? बागबस्टर्स लगे हुए हैं, बागबस्टर्स, सो अ लॉट ऑफ इट केम विद द बाइक व्हेन आई बॉट इट। फॉर एग्जांपल ये फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह जो मैंने मेन लगाए थे वो इवोटेक के रेडिएटर ग्रिल लगाए थे और एक KNN का फिल्टर लगाया था। अच्छा, फिल्टर चेंज किया, साउंड्स गुड। हां, और मैंने सीट बदलवाया था। हां, सीट कवर इसमें थोड़ा सा फंकी सा लगा हुआ था जब आपने लिया था। हां, व्हिच वाज फाइन, सब टेस्ट तो सब्जेक्टिव होता है, बट इट वाज अ वेरी, इट वाज नॉट टू माय टेस्ट, तो मैंने अगेन ये पाथ पेवर से ही बदलवा दिया। आई एम गोइंग, ये रेक्सीन सीट है, आई एम गोइंग टू गेट अ प्योर लेदर सीट आफ्टर सम टाइम। ओके, मैंने अभी, मतलब वही है कि फॉर द टाइम बीइंग कि मैं इसको थोड़ा बहुत खींच लूँ, सो आई गॉट इट चेंज, बट आई फील कि इसमें एक प्योर लेदर सीट में बहुत मजा आएगा। इट्स बेसिकली वेरी कंफर्टेबल, यू नो, हार्ड टेल। ये बेसिकली मेरे को, अगर आप देखो फ्रेंकली बॉबर का कॉन्सेप्ट जो है, इट्स बेसिकली हार्ड टेल, राइट? बिल्कुल, रेप्लिका, दिस इज एक्चुअली अ ड्यूकाटी हार्ड टेल, द क्लोजेस्ट थिंग दैट कैन बी। इन अ वे आई काइंड ऑफ स्टेड इन दैट कैटेगरी, बट ड्यू टू सम स्ट्रोक ऑफ bad luck which inadvertently led to a lot of good luck, I landed up with this deal. So it gave me everything I wanted, it also gave me additional comfort power. Bilkul. And jo ek dar tha mera Ducati ka ki sab kuch kharab ho jata hai, that was unfounded. Aur ek hamara question thoda sa adhura reh gaya tha, humne bike leni chahiye, humne ye bata diya kisko nahi leni chahiye bhaiya ye bike? Main frankly batata hu, basically this bike takes up a lot of space. तो इफ यू आर गोइंग टू पार्क दिस, ये एक गाड़ी का स्पेस लेगी आपके घर में भी, जहाँ पे भी पार्क करोगे। जैसे आप ट्राइडेंट जैसी बाइक है वो छोटी बाइक है, तो वो कहीं पे भी घुसा के आप पार्क कर सकते हो। दिस विल टेक द स्पेस ऑफ अ कार टू पार्क। बिल्कुल। अगर आपको, अगर आप ऐसे जगह पे आप रहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपके बाइक का एक्सेस मिल जाता है, देन इट्स डेफिनेटली अ कंसर्न, बिकॉज ये बहुत बार हुआ है कि लोग आके बैठ जाते हैं बाइक्स पे वगैरह, राइट? So if you have easy access to the vehicle, if you have like a secure compound, that is always better. And as far as the kind of, you know, I would say that this is not something you start with. It is easy to ride it in urban mode and touring mode where the delivery is linear, but in sports mode, it's cataclysmic. मतलब super sport rider को भी ये डरा देगी, because lower ना, हाँ, जो lower rev में they have some sort of stability ना, वो यहाँ पे नहीं है। सच है। So it accelerates faster than a 599 GTB. So this is not a first bike at all. Achha, at all. ये मेरी ninth bike है वैसे। अच्छा। हाँ, ये मेरी ninth bike है। And it's not a very good first bike, but strangely enough, लोग कहते हैं कि लीटर bike second bike नहीं होनी चाहिए, but this is a very good second bike upgrade if you're coming from something like a 600, like a Ninja 650, Trident or something in that category. वहां से यहाँ आना एज अ स्ट्रेट लाइन थिंग आप कर सकते हो, और कह सकते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स की पावर चाहिए, कंफर्टेबल क्रूजर वाला चाहिए, तो वो भी इस पे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कंफर्ट को लेके, क्योंकि इसमें आपके, इसमें मिड फॉरवर्ड आते हैं, बट एक जो आती है उसमें फ्रंट फॉरवर्ड भी आते हैं, तो वो भी एक्स डियावल, तो वो भी बहुत अच्छी है। लास्ट में बसता भी इसकी एक बार आवाज जरूर सुना देते हैं लोगों को, आई होप इसकी आवाज, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज अच्छी है फिर भी, क्योंकि काफी लाउड है स्टॉक में भी है, आई गेस केयर में तो नहीं। थोड़ा सा रेव करना भैया, इस वाली बाइक में और नई वाली बाइक में एक फर्क आ गया है। पुरानी वाली बाइक में था, अब रेव लिमिट था, पूरा रेव कर सकते थे,
लेकिन अब जो नई वाली बाइक है उसमें रेव लिमिटर आ गया भैया, आप 4000 RPM से ऊपर रेव कर ही नहीं सकते इनिशियली बाइक स्टार्ट करके, आपने नोटिस किया हो शायद, तो ये एक अपग्रेड अच्छा लगा मुझे। जनरली लोग ना जिनको पता नहीं है वो अननेसेसरी रेव कर देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज ऐड ऑन हो गई है डुकाटी में, शायद आपने नोटिस की होगी। सो फ्रेंकली एक बात बताओ, पीपल हु बाय दिस बाइक ना, दे आर नॉट बाइंग इट टू रेव इट, बिल्कुल कह सकते हैं दे आर बाइंग इट टू गो समवेयर एंड पार्क, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच भैया, ये ऑनरशिप रिव्यू करना बनता था क्योंकि बहुत लोग इसको प्लान कर रहे होते हैं एंड बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बाइक को लेके कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, किसी को भी सुपर बाइक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी डाउट हो, कोई लेने का प्लान कर रहा हो तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, टेक केयर, बाय।